पर हमारे साथ हैं, हासन के माइनॉरिटी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पिछली बार चेयरमैन रहे, दोबारा से वो मेंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कितने चांसेस हैं उनके जीतने के? इंशाल्लाह 100% इंशाल्लाह इस बार फिर से अनवर बादशाह साहब जीतेंगे, क्योंकि वो और हमारे मिनिस्टर साहब जमीर अहमद साहब ऐसा मिलके काम करे वो दोनों लोगों भी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे स्टेट के अंदर वक्फ के हर डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा काम हुआ है माशाल्लाह। ये वक्फ अदालत या फिर एम्बुलेंस देने का या फिर वो ये फ्रीजर्स देने का बहुत सारे काम किए, और बहुत सारे इदारों को भी अच्छा फंड्स दे के वो लोग डेवलपमेंट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान खुश है वक्फ के मामले में। आज कर्नाटक के अंदर हर मुसलमान खुश है, तो इंशाल्लाह ये दोनों लोगों की जोड़ी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह साथ मिलके काम करने का बहुत अच्छे तरीके से करे काम ये लोग, इंशाल्लाह आगे भी अनवर साहब जीतते हैं और सरवर बेग साहब भी जीतते हैं इंशाल्लाह। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपने देखा था एम्बिशियस बिल कंटेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर आ रही है, जिसके सन्नाटे के बाद, हंगामे के बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें हैदराबाद का सदरुद्दीन अवैसी, काफ़ी सारे इसमें 21 मेंबर्स की टीम को बनाई गई है जो हिंदुस्तान का पूरा दौरा करे। अब यह कमेटी पूरा हिंदुस्तान का सर्वे करेगी, इसके बाद इस मेमोरेंडम को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सबमिट करेगी, जो अगला सेशन होने वाला पार्लियामेंट का। कर्नाटका में अब चुनाव का माहौल है, एक तरफ जहां पर हम देख रहे हैं कि बाई इलेक्शन चल रहे हैं असेंबली के लिए, तो दूसरी तरफ कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के भी इलेक्शन चल रहे हैं। पर्टिकुलरली मुतवल्ली का जो कोटा होता है, उस कोटे के लिए तमाम जितने पहले मेंबर हम थे वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं अनवर बादशाह साहब, अनवर बादशाह साहब हमारे साथ हैं जो चेयरमैन हैं, अभी उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करके अभी यहाँ से आए हैं। केएमडीसी के चेयरमैन भी है यहाँ पर साथ में, उनके जो साथी हैं उनकी गुलपोशी कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये चुनाव, अनवर बादशाह ऑलरेडी चेयरमैन रहे हैं, अब ये जो चुनाव उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है कि आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह से बीजेपी कांग्रेस को कॉर्नर कर रही है वक्फ को लेकर, आइए इस बारे में हम इनसे बात करते हैं। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जिनका अभी पिछले हफ्ते टर्म खत्म हुआ, अनवर बादशाह हमारे साथ है और यहाँ पर सर्वर भी, दोनों ने नॉमिनेशन फाइल करके दोनों साथ इकट्ठा कंटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अनवर बादशाह साहब से बात करते हैं, अभी जो हिंदुस्तान में जो औकाफ को लेकर जितना हंगामा बीजेपी की सरकार कर रही है, आपके मिनिस्टर वक्फ बोर्ड के बीजापुर हमने जो इशू देखा, कितना इम्पोर्टेंट इस बार का इलेक्शन आपके लिए? देखिए 2024 का वक्फ बोर्ड का इलेक्शन है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे कर्नाटक के नवे पूरे हिंदुस्तान के लिए। मैं हमारे जमीर अहमद साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन टाइम के अंदर उन्होंने एनरोलमेंट करा को, वोटर लिस्ट फाइनल करा को, इलेक्शन भी अनाउंस कराने के लिए उन्होंने, जिसके मेन कारण है, इसलिए मैं पूरे कर्नाटक के आवाम की तरफ से मैं हमारे वक्फ मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अब तक का भी कौन से पीरियड में भी इन टाइम के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ कर्नाटक में, ये पहली बार है बोर्ड के इतिहास में, पहली बार इन टाइम के अंदर इलेक्शन हो रहा है। एनरोलमेंट की लिस्ट भी फाइनल करी, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स भी पढ़ा, इंशाल्लाह पूरे उम्मीदवार, हमारे सरवर बेग साहब भी उम्मीदवार है, भाई भी उम्मीदवार है, और हमारे रियाज भाई भी उन्होंने भी एक उम्मीदवार है, पूरे उम्मीदवार, जल्दी से बोर्ड हुआ तो अच्छा रहता बोल के उन्होंने हमारे मिनिस्टर साहब करे हैं, हमें भी पूरे मेंबर्स भी, अब आने वाले बॉडी भी कौन जीत गया तो उनके साथ करें, पीछे भी हमें है, सो सो तो मिनिस्टर साहब को साथ दे बोर्ड अच्छा चलाने के लिए जी। अब तुम्हें भी सोशल मीडिया में देख रही है, अब पहले से भी आपका जरा बोर्ड वक्फ अदालत जरा अच्छे अच्छे चीज है, हमारे मिनिस्टर साहब हमें सपोर्ट देने से, एम्बुलेंस का वंदे, एजुकेशन के लिए पहली बार कर्नाटक में 15 डिस्ट्रिक्ट में वुमेन्स के वास्ते उन्होंने कॉलेजेस भी, कॉलेज करने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है, कैबिनेट में भी अप्रूव करा दिए, आने वाले दिनों में अच्छा काम करेंगे तो उनको उम्मीद है। पहले सर मेरा आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल है, बीजेपी का सबसे बड़ा हमला वक्फ बोर्ड किया आता है, आपकी जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर पैरेलल बना रही है, कितना सही है बीजेपी का इल्जाम? मैं समझता हूँ वक्फ अमेंडमेंट की जो बिल है उतना आसानी से नहीं है, उन्होंने समझ से तो आसान नहीं है वो, अभी उसका सुप्रीम कोर्ट रहता उसमें, हमारे अपर हाउस में, लोअर हाउस में सभी पास होना उतना ईजी नहीं है वो। हमारा कर्नाटक में जो पहले से बोर्ड चले कर रहा, अभी आने वाले 5 साल भी बोर्ड वही रहेगा। जी जी, हमारे साथ सरोवर बेग साहब हैं,
जिनको सब इतनी बड़ी बैकिंग मिला, ऐसे लग रहा है जैसे एमएलए के नॉमिनेशन के लिए फाइल करने आए हैं। आपको माना जाता है कि आप कर्नाटका के हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब देखिए मैं आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ये इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्यों आपको कोई भी मेंबर आपको वोट दे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सरवर बेग बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट वफ एडवाइजरी कमेटी का मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ। उस वक्त बीजेड जमीर अहमद खान साहब एमएलए और मिनिस्टर वफ के थे, उस वक्त उन्होंने मेरा काम देख के वो एक दिमाग में वही बोले कि मेरे दिमाग में आ गया था कि तुम्हें तजुर्बा है, इलम है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर कोई भी बड़ा मुकाम देना पड़े तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से वो आपको ज़रूर दूंगा करके। और सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बात जो मुझे ज़रिया बने बीजेड जमीर अहमद खान साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है कि अल्लाह की प्रॉपर्टी वफ की अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी की देखभाली के लिए चुना है, और मैं अपने आप को कम नसीबे वाला नहीं समझता, और इंशाअल्लाह मेरी औकात से बढ़ के है। जब अल्लाह ने मुझे चुना है तो ज़रूर मुझ में कुछ होगा, और मैं आगे भी मुतवल्लियों से सबसे यही अपील करता हूँ कि जमीर अहमद खान साहब को अल्लाह ने हिदायत दी और उन्होंने एक ज़रिया बने, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुतवल्ली साहब जो भी हैं आप लोग सब मुझे एक मौका दें, इंशाअल्लाह आपका भरोसा ज़रूर नहीं तोड़ेंगे, और आगे आने वाले दिनों में वफ के वास्ते जो भी खिदमत अंजाम लाना है, जो भी अल्लाह की प्रॉपर्टी को बचाना है, साथ में मिलके, मैं करके नहीं बोलता, हम साथ मिल के काम करेंगे, क्योंकि ये मुतवल्ली इलेक्शन जो है ये मुतवल्लियों का नुमाइंदा बन के मैं वफ बोर्ड में एक मेम्बर की हैसियत से नॉमिनेशन करके हूँ। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में डेवलपमेंट जो भी है, जैसे कि आज हर चीज़ अपडेट होके है, पर हमारा वफ बोर्ड भी हमारे जमीर अहमद खान साहब आने के बाद ये जो बोर्ड के मेम्बरान ही ये सब रियाज साहब रंदे, शाफी साहब रंदे, हमारे चेयरमैन साहब रंदे, इन्होंने सब भरपूर, हमारे मिनिस्टर साहब का याकूब साहब रंदे, सब मिनिस्टर साहब का भरपूर साथ दिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मैं इनके साथ रह को वफ की प्रॉपर्टी बचा के डेवलपमेंट करूँगा, इसका मैं इरादा करके हूँ, और अल्लाह ने मुझे चुना है तो आप मुतवल्लियों को भी मैं अपील करता हूँ कि मुझे एक बार वोट दे के मौका दे। सब बड़े लोगों ने आपको किताब का कवर दिखा दिया है, अब आप मुझे वोट दे के ला के आप इस किताब को भी पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि कितना जज्बा है। और अल्लाह से मैं दुआ कभी भी करता हूँ, अल्लाह मुझे अना से बचाए, और अगर मेरे थोड़ी भी अगर मेरी ज़ाती फ़ायदे के वास्ते 1% भी रहा तो अल्लाह मुझे इस बोर्ड में ना लाए, और अगर मेरे में दिलचस्प भी है और वफ की प्रॉपर्टी बचाना है, डेवलपमेंट करना है, कौम के लिए कुछ करना है, तो अल्लाह ज़रूर मुतवल्लियों के भी दिलों में दिमाग में हिदायत देंगे, और इंशाअल्लाह वो सब मेरे लिए वोट करेंगे। ये दो बात बोल के मैं थैंक यू। रज भी हमारे साथ हैं जो वो भी नॉमिनेशन फेल किए सर, हाउ इंपॉर्टेंट दिस इलेक्शन इज फॉर यू, व्हाट डू यू थिंक? इन द प्रेजेंट सिनेरियो ए स्ट्रांग बोर्ड इज रिक्वायर्ड, यस, बिकॉज द बीजेपी पीपल आर मेकिंग रेकलेस एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस, मेकिंग ए प्रोपेगेंडा, इट इज नॉट ट्रू, इट इज फार फ्रॉम ट्रूथ। और जो इन्होंने बता रहा है वक्त पर प्रॉपर्टी चीज वक्त की हो जाती है, ये सरासर गलत है। जो भी प्रॉपर्टी वक्त में रजिस्टर होना है तो पूरे डॉक्यूमेंट देख के रजिस्टर होती है प्रॉपर्टी, ऐसा ही नहीं है। हमारे कुंदरों ने पूरी प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी देख गया है, उसे बचाने की कोशिश है, लेकिन ये लोगों ने उसे पूरे तौर से घटाने की और बर्बाद करने की पूरी साजिश चल रही है। ये आला अलगिस होने वाला नहीं है, इंशाल्लाह स्ट्रांग बोर्ड बनेगा इस बार, पूरी प्रॉपर्टी बचाएंगे, और हिस्ट्री में पहली मरतबा बोर्ड की हिस्ट्री में, जैसा हमारे साबिक चेयरमैन में कहा, पहली मरतबा बोर्ड टाइम एक्सपायरी होने के पहले ये इलेक्शन हो रहा है। इंशाल्लाह स्ट्रांग बोर्ड बनेगा, और लीगली हमें क्या करना है पूरा करेंगे इंशाल्लाह। जो यू मिसप्रोपेगेंडा करें उसे हम काउंटर भी करेंगे, ये अवाम इसमें ये भड़काव में नहीं आए, जो सही है वो समझे, बोर्ड का प्रॉपर्टी वर्क डेवलप करके उसे
आवाम तक उसका फायदा पहुंचाए। नम जोते माजी अध्यक्ष वक्फबोर्ड साफी साधी नम जोते इधर है और ना कहना है सर तो चेयरमैन राखी दिरा वन कड़े बसरत बसन गोड़ा यत्ना वन कड़े तेजस्वी सूर्य वन कड़े प्रहलाद जोशी नहीं वक्फबोर्ड मुखाता है ना पाकिस्तान मारे खोटी दिरा आप अंदर मारता है वक्फबोर्ड पाकिस्तान तो नहीं नम यावदे संबंध है लारी यार ये पाकिस्तान उनके संबंध रहते और पाकिस्तान पाकिस्तान तेलता इरता है नमको पाकिस्तान को संबंध इल्ला नाव इंडिया दल लुटी देवी इंडिया दल ले नम जन्मस्थल इंडिया गागी नाव केलस ವಕ್ಫ್ ಇರುವುದು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ವಕ್ಫ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ದು ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ವರ್ ಬಾಷಾ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಸ್ ಸಾಬ್ರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಸಾಬ್ರು ಒಟ್ಟಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರಿಯಾಸ್ ಸಾಬ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸರ್ವರ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮನವಿ ವಕ್ಫ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇದಾರಿ ಶೂರೋಣ ಜರೂರಿಯೇ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಯಾರೋ ವಕ್ಫ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಕ್ಫ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಇರಬಹುದು ವಕ್ಫ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಟ್ ಈಗ ವಕ್ಫೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಕ್ಫೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಸೀದಿನೂ ಇಲ್ಲ ಮದ್ರಸಾನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21-25 ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1999 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ವರ್ಷಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ವಕ್ಫೆಮೆನ್ ಬಿಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಉಮೇದುವಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಕತ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ ಜೊತೆ ಹಮಾರೇ ಸಾಥ್ ಫಾರ್ಮರ್ ದೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಏಕ್ ಶಾಫಿ ಸಾದಿ ದೂಸರಾ ಅನ್ವರ್ ಬಾಷಾ ಅಬ್ ಯಹಾಂ ಸೆ ಸರ್ವರ್ ಬೇಗ್ ನೇ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಕಿಯಾ ಹೈ इनको यकीन है कि इनके जो मिनिस्टर है कर्नाटका के हाउसिंग और वक्फ मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान की सरपरस्ती में इलेक्शन होगा लोग इनको हाथ पकड़ेंगे और ये जीतेंगे और कर्नाटका के मुसलमानों की खिदमत करेंगे और वक्फ की हिफाजत करेंगे देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।